क्या लेके आए? और वो वहाँ पे गए थे, वो केक शॉप बंद थी, तो फिर वो मेरे लिए केक नहीं लेके आए। तो हमें तो बस बिस्किट और सिर्फ वोइपो और सिर्फ दूसरा किया चॉकलेट तुमने खाई थी वो। तो क्या दिया उसको? दवाई दिखाने के लिए इसको मम्मी को। ओम बोल रहा है कि ओम को थोड़ी सी दवाई दी है, वो नीचे पड़ी है फ्रिज में, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। चलो क्या है, दवाई दिखाओ मुझे तुम्हारी जल्दी। कौन सी दवाई है तुम्हें? तुम कॉफी पीनी है? कहाँ है दवाई? कहाँ है दवाई? कितनी है? कहाँ पे है दवाई वो तो बताओ। वो तो मेरे वाओ, ये क्या है वो? वो क्या है? वो दवाई तो नहीं है वो। तुम मेरे लिए केक लेके आए? हाँ? अच्छा, ओम से रहा नहीं जा रहा था। अभी टाइम हुआ है 1:30 दोपहर को। वाह, क्या हम इसको देख सकते हैं? पापा को नहीं बोले कि बोलेंगे कि हमने देख ली है, ठीक है? और तुमको देखना होगा कि कौन सा कलर है। ओके, देखो कि कौन सा कलर है। ठीक है, क्या हो सकता? पिंक कलर की है। ओ वाओ, और इसमें तुम्हारा नाम है। वाओ, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भारती, ऐसा लिखा हुआ है। और इसमें छोटे छोटे रेड कलर की है। वाओ, आई लाइक दिस केक। ओ तुमने चूज किया मम्मी के लिए? हाँ, थैंक यू। आई लाइक दिस वन। ओ ये थैंक यू। और इसमें ग्रीन लीफ्स है। अच्छा, और देखो इसमें कलरफुल साइंस है, देखो। हाँ हाँ, मैंने वो भी देखी। ओ हाँ, देखो इसमें रेड है, ग्रीन है, येलो है और ब्लू भी है। ठीक है, तो क्या बाबा हम इसको अंदर रख दे अभी के लिए? नहीं, क्योंकि मुझे अभी खाना है। ओके, एक मिनट, फिर हम पापा को बुला के आते हैं, ठीक है? और देखो इसमें केक साइन लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। हेलो फ्रेंड्स, ओम इज वेरी वेरी एक्साइटेड। एंड ओम कब से एक्साइटेड है केक काटने के लिए। रामदेव सो रहा था, रामदेव को भी जल्दी जल्दी उठाया और बोला कि अब वेट नहीं हो रहा है, जल्दी से केक काटना है ना। ओ ये तो पास पास में किया तुमने। हाँ। चाहो आ तो को बुला के लेके आओ। और आए अभी गए हैं गांव में, जो कीर्तन होते हैं इस टाइम में। एंड काजल एंड रामू वो सब भी, आज मेला है तो वहाँ पे गए हैं सारे लोग हमारे जो पार्टनर्स है खेत में, वो सब भी गए हैं वहाँ पे। हम यहाँ पे है इस साइड। होम इज वेरी एक्साइटेड। આકો રહે એવી નથી વાટને જ જોવાતી હો ખાઈ લીધું કેક હાજી ઓકે હાલો, ઓકે હાલો આ તો આવે Mom, are you ready to blow? Ready. I blow for you. Oh, you blow for me? Yeah. Okay. Chalo. Really?
Wow, happy birthday, Om. Happy birthday. No, mommy. Happy birthday to mommy. तुमने मेरी मदद कर दी क्या? सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट था ओम को, तो शाम का वेट नहीं कर पाया वो, उसको अभी काटना था। मुझे उठाया जल्दी जल्दी, चाय पीने दी जल्दी में, क्योंकि बोल रहा था कि अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुझे किसी की मदद चाहिए काटने के लिए, कि कौन मेरी मदद करेगा पता नहीं। हाँ वो मदद, कौन मेरी मदद करेगा? ये छोड़ दे। हाँ वो निकाल दो। मेरी मदद कौन करेगा? हम मैं। तुम करते हो, कर सकते हो? हाँ। आत्मा दिले सक। रेडी? रेडी। सीधा पकड़ना, उल्टा है? सीधा। हाँ लेकिन मैं पेड़ कहाँ से काटूँ? हाँ यहाँ से काट सकते हो, जहाँ से तुमको अच्छा लगे। हाँ। वाव, हैप्पी बर्थडे टू मम्मी। यस यस। तुम कहाँ ही करे? हाँ ठीक है, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे काटो। अब मम्मी को खिला दो। ओके, पहले मुझे? हाँ ठीक है, दे दो। हाथ से देना है, मैं हेल्प कर दो। चलो इसमें से दे दो मुझे। हाँ अब दे सकते, पहले टेस्ट करना पड़ेगा ना कैसा है। हाँ इसे दो, कैसा है? ये दे दिया। हाँ ये ट्राई एज वेल। ओके यू गिव मी। ये बार तुम दे। ए मम्मी लुक एट दिस वन। व्हाट? ओ ये तो मन दया ले, मम्मी दे पहले, क्या था नहीं दे, गिव मी। आप ही आती दे। ये डन, अब आटो को दे दो। Are you, you want more? आतंदे देख रहा था, जाकर खाई थे, खाई थे? मैं आतंदे आये थे। हाँ याद पड़ा नहीं है। हम सीमू वाइट को बैठे हैं। ओके मैं लेके आती हूँ, ठीक है? थोड़ी सी बापो को दे दो, फिर मैं लेके आती हूँ अभी। ये वाला दे दो, come on मेरी बारी है। बस इतना सा? हाँ अभी बाद में सबको बाउल में मिलेगा चम्मच के साथ, है ना? अभी इतना ही खाने का सबको। मुझे लगता है ओम को तो ये ज्यादा केक पसंद नहीं आया। ओम को नहीं पसंद शायद ये फ्लेवर। करती दे दे। बाहर का तार में आपको कर दिए। अपन मुई के जट जट केक का पा। ओके तुम ले लो इसमें, देखो बापू तुम्हें देता है इसमें। और पीसेस बना दे। हेलो फ्रेंड्स, आज 4:30 बजे है, अभी भी मेरा बर्थडे जल्दी मिल्किंग हो रहा है, अभी भी मेरा बर्थडे चल रहा है। एवरीडे 6:30 बजे कभी कभी रामदेव बोलता है कि जल्दी करो, लेट हो गया। लेकिन तब तो नहीं होता जल्दी, वो उसके टाइम पे ही होता है। आज बहुत जल्दी हो रहा है काम, 3-4 दिन जल्दी होगा क्योंकि मेले में जाना होता है भाटी को। नहीं मेरा वैसे कोई है नहीं मेले में जाना, लेकिन आप लोगों को हम दिखा सके कि दिन में। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम व्यूअर्स के लिए कर रही है। हाँ। तुम्हारा कोई वो नहीं है कि तुम्हें जाना है? मेरा कोई इसमें एक्साइटमेंट नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई वो नहीं है, मैं सिर्फ व्यूअर्स के लिए कर रही हूँ कि जल्दी हो जाए। भारती और ओम बहुत एक्साइटेड होते हैं कहीं जाने के लिए। अभी जल्दी से ये गाय तो कुछ नहीं करती, 3 बजे या 4 बजे कौन किसी भी टाइम हम इसको इनका दूध निकाल सकते हैं, लेकिन कन्नू भी आई थिंक पता नहीं क्या करेगी। भगवान से प्रार्थना करती है कि जल्दी से दे दी। क्योंकि आज नॉर्मली 7 बजे के आसपास हम कन्नू का मिल्किंग करते हैं, तो 2-3 घंटे का फर्क ज़्यादातर उनको पता चल जाता है टाइम का, कि बहुत अर्ली है। हो गया फास्ट। हाय एवरीवन, अभी नेक्स्ट कन्नू को मिल्किंग दोएगी भारती, लास्ट है, एक ही बफेलो अभी मिल्किंग करनी होती है और एक गाय हमारी। लास्ट ईयर कितनी? पाँच या छः बफेलो थे,
तो 4 बजे शुरू करते थे सबको। हाँ, मीटिंग करके फिर हमें जाना होता था मेले में, लेट हो जाता और था। इस बार एक प्रेशर है और कि हमें दिन के टाइम पे आपको शूट करके हमारा मेला दिखाना है पोरबंदर का, लेकिन इतना कुछ इस बार नहीं है जितना लास्ट ईयर था, क्योंकि राइड्स नहीं है। राइड्स के सिवा एडवांटेज था, अगर राइड्स होती तो उसके ऊपर बैठ के शूट कर सकते थे इजीली। अभी थोड़ा वो नहीं हो पाएगा, तो जितना हमसे बन पाएगा आपको कोशिश करेंगे कि हमारा पोरबंदर का जो फनफेयर होता है जन्माष्टमी का, उसकी वो डेफिनेटली आपको दिखाए और हम पूरी कोशिश और मेहनत करके अच्छी शूटिंग करेंगे। हाँ, और साथ में एंजॉय भी करेंगे, वहाँ जाके खाना खाते फिर घर आ जाते। हाँ, भी एक्साइटेड है जाने के लिए। मैंने बोला है अभी सीक्रेटली, तो वो थोड़ा सा आज बहुत सारी सीक्रेट। हाँ, सुबह से सीक्रेट था पूरा भारती के बर्थडे का सेलिब्रेशन करने के लिए। हम तो केक लाए थे हम, लेकिन हमें जल्दी जल्दी में वो सब करना पड़ा। हाँ, मम्मी भी गांव में गए थे। कुछ बहुत बड़ा आने वाला है इन आई थिंक एक वीक में, वो भारती को भी नहीं पता, आप व्यूअर्स को भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ ओम के पापा को पता है, तो किसी को नहीं पता। क्या हो सकता है बड़ा? को नहीं, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। वो अभी कुछ भी मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। नहीं, कुछ जरूर बाय एंड ऑफ अगस्त, क्योंकि अगस्त पूरा तुम्हारा जन्मदिन हम बोल सकते हैं, तो एंड ऑफ अगस्त तक तुम्हारी गिफ्ट भी आ जाएगी, तो कुछ ना कुछ आएगा जरूर। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, बाय बाय। एंड एक और बात मैं जल्दी से बोल दूँ, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जन्माष्टमी के टाइम ड्यूरिंग जन्माष्टमी मेला हमारी जो दो बफेलो थी उन्होंने बेबी डिलीवर किया था, तो लकीली वो दोनों मोस्ट ऑफ हमारी सारी बफेलोज ने जब भी बेबी डिलीवर किया वो मॉर्निंग टाइम ही होता है, मॉर्निंग 6-7 बजे के आसपास। या सारे जानवर मैंने सीखा है बुजुर्गों से, खास करके घोड़े, अंधेरा होता है तभी बच्चा डिलीवर करते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, और शांत वातावरण होता है आसपास में, इतनी मूवमेंट नहीं होती, खास करके घोड़े बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं हॉर्स, तो शांत वातावरण में बच्चा डिलीवर करना ज़्यादा वो प्रीफर करते हैं। और ये बीजू भी अभी एक दो दिन में प्यारा सा क्यूट सा बच्चा देने वाली है, लेकिन ये जितनी जल्द ही हमसे विदाई लेने वाली है। हाँ, हमारी टीम बफेलो, वो एक और सरप्राइज आ रही है नेक्स्ट वीक में, ये सब होने वाला है। थैंक यू सो मच, तो कीप वॉचिंग, बाय बोल दे। हाँ, बाय बाय। मैं बाय बोल देता हूँ, भर्ती स्टार्ट हो जाती है, मैं बाय बोल देता हूँ, भर्ती स्टार्ट हो जाती है, कुछ याद आ जाता है। ओह अच्छा, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय, थैंक यू फॉर लवली बर्थडे विशेस, बाय। थैंक यू, ऑलमोस्ट हो चुका है, ये बहुत ही अच्छी बात है, मोस्ट ऑफ हमारी सारी बफेलोस किसी भी टाइम दे देती है दूध अच्छी तरह से। हाँ, एक दो घंटे आगे पीछे हो, बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से सेट करके रखी है भारती ने इनको, जिस टाइम पे भारती आके स्टार्ट करती है मिल्किंग करना वो मिल्क दे देती है। और मैं इस टाइम पे दो काम कर रहा हूँ, शूटिंग भी एज ए कैमरामैन और कनु के पास एज ए सिक्योरिटी मैन भी खड़ा हूँ, क्योंकि आज जल्दी था तो भारती ने बोला कि तुम पास में खड़े रहो, उसको थोड़ा सा ऐसे लकड़ी घुमाते उसके सिर पे सब जगह और प्यार देते ताकि वो मिल्क दे दे। कनु हमारे साथ लंबा सफ़र करने वाली है अभी, बाकी की हमारी बीजू और कनु को साथ में लेके गया था, बहुत बड़ी लग रही थी और ये तो उसके पास बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन ये नस्ल बहुत ही अलग और बेहतरीन है सारी, लेकिन कनु छोटी है हाइट में, और मेन है कि अभी दूध दे रही है इसलिए हम बेचना नहीं चाह रहे, क्योंकि अभी अगर बेच दिए तो हमें दूध की कमी पड़ जाए शायद हमारे घर के लिए, लेकिन हमारे सारी बफेलोस में जो सबसे क्वाइट नेचर, अच्छा काम नेचर है तो वो बीजू का ही है, बीजू का था, कितना वो ज़्यादा दूध देती है, ऑलवेज बीजू। हाँ, दूध भी सबसे ज़्यादा और नेचर उसका बिल्कुल काम है, उसने कभी भी जल्दबाजी नहीं की या तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे किसी को लग जाए या ऐसा कुछ हो जाए,